मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एनसीपी पार्टी में एमआईएम पार्टी के अलावा और भी अन्य पार्टियों के कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल शाम के वक्त में मंत्री जितेंद्र भट्ट के बंगले पर बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता एनसीपी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें एमआईएम पार्टी के इकबाल मोलानी अपनी पूरी टीम के साथ एनसीपी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं मंत्री जितेंद्र आवाट ने भी कहा है कि मुमरा कलवा में लगातार अन्य दूसरी पार्टियों से निकलकर लोग एनसीपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मंत्री जितेंद्र आवाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आज प्रवेश हुआ है, क्या कहेंगे एमआईएम के कार्यकर्ताओं का प्रवेश हुआ है? जो काम करता है उसके साथ लोग आते हैं, उसमें क्या है? आने वाले इलेक्शन को लेके प्रवेश किया जा रहा है, लोग पार्टी छोड़ के आने वाले चुनावों का कोई इधर मसला आता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोग ये देखते कि काम कौन करता है। अच्छा, मुमरा कस्बा में एनसीपी की मजबूती का श्रेय आप किसे दोगे? एनसीपी को दूंगा, पूरी टीम मैं भी हूँ उसमें, मेरे को क्यों बाहर निकल दो? और भी कोई पक्ष के आने वाले सर? अभी सभी में तुमको तुम रात को क्या खाना है बताओगे? नहीं सर, हर कोई थोड़ी ना कल की बात। सर, अपोजिशन का कहना है कि कार्यकर्ताओं के पार्टी बदलने से फर्क नहीं पड़ता, मुद्दे भी मौजूद है शहर में, क्या कहेंगे सर? किसी को क्या फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये मालूम है कि लोगों के दिल में राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी का काम है और यही काफ़ी है। उठपटांगिरी लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक, लोग काम देखते हैं, लोग उनकी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं का रवैया देखते हैं, मुश्किल आने पे कौन खड़ा होता है ये देखते हैं। और मुझे लगता है कि यही ये सब परीक्षाओं में हमारे जितने भी कार्यकर्ता पास हो चुके हैं, तो हमको इस बात से डर नहीं है। लोग जो सोचता है कुछ गिने चुने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में वो 8-10 भी प्रवेश कर सकते हैं? हमको चाहिए हो सकता है। नहीं, हमको वो चाहिए भी। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे संत सर, हमारा मामला स्ट्रेट है कि जो नाकाम है, जिनको कुछ काम धंधा ही नहीं, जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, वो जो कीड़ रहती है, कीड़ क्या बोलते हैं उसे, वो हमारे पार्टी में नहीं चाहिए, वो उधर ही खुश रहो। नहीं, अभी